आज हम ये फैंटम 4 प्रो V2 डॉन की जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इसका बॉक्स है, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये इधर में इसमें एक छोटा सा की लॉक दिया हुआ है। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है और ये ड्रोन है, DJI का फैंटम 4 प्रो V2। 20 MP कैमरा है इसका। ये इसके सेंसर हैं, ये इसके मोटर्स हैं और ये इसकी बैटरी है। यहाँ से इसको बैटरी को हम इस तरह से निकाल सकते हैं और ये इसका गिम्बल है कैमरा। ये इसका गिम्बल क्लैंप निकाल या हमने, और ये आप देख सकते हैं। ये इसका चार्जर है, इसमें बैटरी और ये रिमोट कंट्रोलर दोनों एक साथ इससे हम चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी का पोर्ट है और ये रिमोट कंट्रोलर का पोर्ट है। यहाँ पे हम इसको इस साइड में जो है लगा सकते हैं से बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। ये इसका कनेक्टर है, यहाँ से इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट आप इसको चार्जिंग में लगा सकते हैं। ये प्रोपाइलर है और ये दो पेयर आते हैं इसके, एक ये और एक ये। इसको इस पे अगर लगाएं तो इस पे जो ब्लैक डॉट वाली है उस पे ये ब्लैक रिंग वाली लगती है। इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के हल्का सा प्रेस करके और ये लॉक हो गई। इसी तरह से ये एकदम प्योर वाइट है, तो ये वाइट वाले पे ये वाइट लगेगी, इस पे कोई ब्लैक रिंग नहीं है। और इस पे ये एरो भी बना हुआ होता है लॉक और अनलॉक का, उसी डायरेक्शन में इसको घुमाना होता है। ये रिमोट कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए इसका एक यूएसबी केबल होता है, इसको पीछे से कनेक्ट करके हम लोग और मोबाइल या टैब को कनेक्ट करके यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये बैक साइड में इसका एक पोर्ट है, यहाँ पे लगा दिया। और इसको ये ऊपर जाएगा, ये इसका पावर की बटन है। इसको एक बार सिंगल प्रेस और एक बार लॉन्ग प्रेस करने पे ये ऑन हो जाता है। अभी इसको ड्रोन को भी हम लोग जो है चार्ज करते हैं, इसकी बैटरी लगा देते हैं। और इसमें भी ये बैटरी, इसको ऑन करने का भी वही प्रोसेस है, एक बार सिंगल प्रेस और एक बार लॉन्ग प्रेस, तो ये बैटरी जो है हमारी ऑन होगी। अभी ये शो कर रहा है, इसमें ये ग्रीन सिग्नल, हमारी लाइट जल रही है, तो ये हमारा रिमोट जो कंट्रोलर है वो ड्रोन के साथ जो है कनेक्ट हो गया है। बाकी किसी एरिया की मैपिंग वगैरह करनी है तो हम लोग
मिशन प्लान बना के जो है मैपिंग कर सकते हैं, या मैनुअली भी वीडियो वगैरह बना सकते हैं। ये ड्रोन डिप्लॉय करके इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम मैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। ये यहाँ गए, इसके बाद ये इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू फोल्डर और ये न्यू प्रोजेक्ट पे हमने ओके किया। क्रिएट प्रोजेक्ट, इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे हम, जो भी नाम हमें रखना है, जो भी साइट है आपकी। तो अभी मैं ये प्रोजेक्ट का नाम डाल देती हूँ। उसके बाद मैप्स एंड वीडियो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये इसकी कुछ नॉर्मल सेटिंग आ जाती है, जैसे यहाँ पे हम इसकी हाइट वगैरह जो भी बढ़ानी है, एल्टीट्यूड क्या रखना है, जीएसडी क्या रखनी है, यहाँ से हम इसका जो जीएसडी हाइट है वो चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, जाके यहाँ पे ये ओवरलैप है 75 to 70, और ये बेसिकली हमारा एक एरिया का मिशन प्लान आ गया। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है घटा बढ़ा सकते हैं, जितना भी एरिया कवर करना है वो यहाँ से हम इसको अपना एरिया कवर कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें दिखा रहा है ये 2 हेक्टेयर का एरिया है और 55 इमेज इसमें आएंगी, एक बैटरी इसमें यूज होगी और 6 मिनट 34 सेकंड जो है इसको पूरा कंप्लीट होने में लगेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। उसके बाद